दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि बंदर हमारे पूर्वज रहे हैं, लेकिन क्या आपने यह सुना है कि बंदर नहीं बल्कि मछली हैं हमारी पूर्वज। वैज्ञानिकों के अनुसार रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। समय समय पर नई नई रिसर्च सामने आती रहती हैं। हाल ही में एक रिसर्च इंसानों के दांतों को लेकर हुई है जो चौंकाने वाली है। रिसर्च में इंसानों के दांतों को लेकर मछली को इंसानों का पूर्वज माना जा रहा है। हाल ही में इंसानों को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक मछलियों को बंदर से भी पुराना बताया जा रहा है। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इंसानों के जबड़े मछली की तरह ही होते हैं, यानी कि मछली की संरचना इंसानों से मिलती जुलती है। आइए जानते हैं कि दक्षिण चीन में इसकी खोज कैसे हुई है। इस तरह की मछली की खोज दक्षिण चीन में की गई है। कुछ दिनों पहले चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस, क्विजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक रिसर्च की है। इस रिसर्च के जरिए वैज्ञानिकों ने मछलियों की 5 प्रजातियों की खोज की है। इन मछलियों के जीवाश्म 40 साल पुराने बताए जा रहे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे मछली की संरचना इंसानों से मिलती जुलती है। रिसर्च के मुताबिक 40 करोड़ साल से भी पुरानी इन मछलियों के दांत, रीढ़ की हड्डी और जबड़े की संरचना इंसानों की तरह ही दिखाई देती है। मछली के ये अवशेष अब तक के सबसे पुराने अवशेष हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरू में मछलियों के दांत नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण मछलियों में दांतों का विकास हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहली मछली 52 करोड़ साल पहले देखी गई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि बिच्छू मछलियों से भी पुराने जीव हैं। रिसर्च के दौरान मिली मछली का नाम मिराबिलिस है। ऐसा माना जाता है कि मछलियों से ही स्तनधारी जानवर और मनुष्यों का विकास हुआ है। मछलियों के जबड़े इंसानों की तरह ही कठोर हैं। ये कच्चा भोजन चबाने में समर्थ होते हैं। मछलियाँ धीरे धीरे पानी से बाहर आई, इवोल्यूशन हुआ और दूसरे जीवों का भी इसी तरीके से विकास हुआ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए जिससे नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।